विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल करेगी तो समर्थन पर विचार करेंगे। वीएचपी की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गरमाया हुआ है। आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर के लिए जिन्होंने खुले तौर पर वादा किया है, अगर कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उसको वापस लें। केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा, नए साल के पहले सप्ताह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या राम मंदिर का मसला अभी कोर्ट में है। साथ ही उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में नौकरी और किसानों से जुड़े मुद्दे पर अहम होंगे। आलोक कुमार ने कुंभ में केंद्र की मोदी सरकार पर इशारे इशारे में निशाना साधा और कहा कि अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मजबूरियां क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में कानून आने की संभावना नहीं है। हम देश की सारी परिस्थितियों को संतों के सामने रखेंगे और पूछेंगे कि आगे क्या करना है। संत जैसा मार्गदर्शन करेंगे, इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे कहूं, अभी तुरंत आम चुनाव से पहले मंदिर बने इसकी संभावना अब ज्यादा नहीं है। तो वहीं आरएसएस के भैया जी जोशी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने 2025 तक राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरे होने की बात कही थी। जोशी ने कहा था कि हमारी इच्छा है कि 2025 तक अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। मैंने 2025 में शुरू करने की बात नहीं की, आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।